दिल्ली की एक अदालत के अंदर एक मुलजिम को लगातार आवाज लगाई जा रही थी। आवाज लगाने के बाद वो मुलजिम भी आता है, साथ में दो उसके सुरक्षा में लगे हुए सिपाही भी आते हैं। और जैसे वो अंदर प्रवेश करते हैं, जज साहब के सामने जो कटघरे होते हैं उनमें, जब कटघरे में जाने की तैयारी कर रहा था वो, तो जज साहब उसको देखते हैं और देख कर एकदम से गुस्से से तमतमाते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद अदालत से बाहर चला जाता है। वो सिपाही भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर जाने के बाद वो सीधा जाते हैं चाय की टपरी के पास और चाय वाले से बोलते हैं कि तीन चाय बना दो। तीनों आराम से बैठकर चाय पीते हैं। वो कैदी होता है, वो बोलता है कि जज साहब ने कहा है कि तुम चले जाओ, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, अब तुम अपना काम कर लेना, तुम अपने दफ्तर चले जाना। वो कैदी वहाँ से निकल जाता है। फिर से अदालत से जोर जोर से आवाजें लगाई जाती हैं कि धनी राम मित्तल हाजिर हो। अब धनी राम मित्तल के हाजिर होने की आवाज़ लगती है तो और कैदियों को लेकर जो सिपाही आए थे, उन कैदियों के सिपाही एक दौड़ता हुआ आता है और उन्हीं दो सिपाही के पास जाता है जो चाय पी रहे थे। उनके पास जाकर बोलता है, तुम्हारी लगातार आवाज़ लग रही है, तुम्हारे कैदी कहाँ हैं? वो बोलते हैं कि वो तो चला गया। अब चला गया तो बस क्या करें, उन सिपाहियों की हालत ख़राब हो जाती है। सीधा वो अदालत में जाते हैं, अदालत में जज के सामने पेश होते हैं और पेश होकर बोलते हैं कि साहब आपने ही तो कहा था कि चले जाओ, वो तो चला गया। अब ये बात सुनने के बाद जज होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उनका माथा और ठनक जाता है। वो बोलते हैं कि वो बार बार मेरी आंखों के सामने जो आता है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए मैंने कहा था कि बैठने के लिए तुम चले जाओ, तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया है। लेकिन जब ये बात सिपाही सुनते हैं तो उनकी हालत वाकई में ही सचमुच खराब हो जाती है। एक कैदी इनके चंगुल से भाग चुका था, जा चुका था। अब उसके लिए सिपाहियों को क्या सजा मिली होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी उसी कैदी की है जिसके रूप रंग बहुत अलग थे। ऐसे ऐसे उसने अपराध किए थे, जिन अपराधों को सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है। और ये सब चीज़ें आपको गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारे इसकी जानकारी मिल जाएगी। कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने लगभग 1,000 वाहन चोरी किए थे। कहानी एक ऐसे चोर की है जिसने लगभग 127 मुकदमे दर्ज होते हैं। कहानी है एक ऐसे चोर की जो 94 बार अदालत में पेश होता है और जेल जाता है, लेकिन अदालत उसे ज़्यादा दिन तक जेल में रख नहीं पाती थी, क्योंकि वो था ही इतना होशियार चोर और था ही इतना समझदार भी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के झज्जर की। दरअसल झज्जर के एक एडिशनल सिविल जज होते हैं, अचानक ही वो अपने कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। जैसे ही कोर्ट में उनका आना बंद होता है तो उनको तलाश करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो उनके ऑफिस में लोग जो जुटे होते हैं, बाबू हो या फिर कई तरीके के लोग, अधिकारी लोग होते हैं, वो उन्हें तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं कि जज साहब बिना बताए कहाँ जा सकते हैं। मामला पुलिस तक पहुँचता है। अब पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब साथ में ये बात पहुंच जाती है जो हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट होता है वहां तक। अब वहां से एक लेटर चला था जो कि यहाँ झज्जर की अदालत को मिला था। दरअसल एक जज पर आरोप था कि उन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, लगातार अखबारों में खबर छप रही थी और खबर छपने के दौरान ही एक लेटर आता है हरियाणा के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का। ये रजिस्ट्रार का जो पत्र मिलता है तो उसमें लिखा था कि जज साहब आपके ऊपर जो जांच चल रही है, आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, इसलिए आपको 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, आप जाइए आराम कीजिए जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है। जज साहब चले जाते हैं आराम करने के लिए अपने घर पर। अब आते हैं एक और जज, उनके बारे में पत्र आता है कि ये फलां जज है, अब यही सुनवाई करेंगे। लगातार जज साहब बैठकर सुनवाई कर रहते थे। उन्होंने 40 दिन तक एक के बाद एक केस की सुनवाई करते रहे और 2,470 कैदियों को
जो इनकी अदालत में आए थे अलग अलग जुर्म के मामले में, सबको ही जमानत दे दी, सबको घर पर भेज दिया। सब अपने अपने आते रहे जाते रहे। जब लगातार 40 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, तो उस दौर में ये बात मैं बात कर रहा हूँ साल 1980 की, तो उस इलाके में लगातार खबर छप रही थी कि कोई जज आया है पहली बार, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से वो लोगों की सुनवाई करता है। जो भी उनके पास आता है फरियादी लेकर, वो किसी को निराश होकर नहीं भेजते, ज़्यादातर लोगों को छोड़ देते हैं। जब जज साज के बारे में ऐसे चल रहा था, जज साहब अचानक से गायब होते हैं, तो उसकी जब जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि वो जज जो था, वो जज नहीं बल्कि चोर था। जो चोर था जो जज बनकर यहाँ पर बैठकर चला गया 40 दिन वो भी, और उसने 2470 कैदियों को रिहा भी कर दिया। अब तो हड़कंप मच गया था बिल्कुल ही। बात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक पहुंच जाती है, बात जो है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है। इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाती है, और पता चलता है कि रजिस्ट्रार ने जो पत्र भेजा था, ऐसा कोई पत्र था ही नहीं, ऐसी कोई किसी जज को भेजा ही नहीं। ऐसी किसी जज को जो पहले से एडिशनल जज थे जिसके खिलाफ जांच चल रही थी, उनकी ट्रांसफर की कोई बात थी ही नहीं। सब कुछ फर्जी कागजों के आधार पर चलता रहा, और किसी को इस बात की कानोकान खबर नहीं चली। उसके बाद जब हाई कोर्ट में हड़कंप मचता है, इसकी जांच पड़ताल की जाती है, जितने भी 2470 मामलों में उन्हें रिहा किया गया था, पुलिस वाले उन लोगों को लगभग 2,500 कैदियों को, 2,500 मुलजिमों को तलाशना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ढूंढती रहते हैं, उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके केस की सुनवाई फिर से होती है। लेकिन एक नाम था जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा, बस उसी नाम की कहानी है। कहानी है ये धनी राम मित्तल की। दरअसल धनी राम मित्तल का जन्म 1938 में हरियाणा के भिवानी में हुआ था। पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। रोहतक से उसने ग्रेजुएशन किया था। रोहतक से उसने ग्रेजुएशन करने के बाद, अब हर आदमी जब पढ़ाई करता है तो उस दौर में इतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी, साल 1964 की बात होती है। 64 में ग्रेजुएशन करने के बाद आसानी से नौकरी लग सकती थी, लेकिन उसने नौकरी की तलाश ही नहीं की। अब नौकरी की तलाश ना करके वो सिर्फ इधर उधर घूमता था, वो जो चाहता था वो शायद उसको मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने ARTO दफ्तर में आना जाना स्टार्ट करते। अब ARTO दफ्तर में आता है जाता है, तो आपने देखा होगा कि ARTO दफ्तर के आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। कुछ लोग वकील के वेश में होते हैं, कुछ लोग दलाल होते हैं जिनका काम ही कागज़ तैयार करना होता है, जो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। तो अब धनीराम मित्तल ने ARTO बैठना स्टार्ट कर दिया, और वहां पर बैठकर उसने पता किया कि किस तरह से फर्जीवाड़े के कागज तैयार किए जाते हैं, गाड़ियों में कागज कैसे तैयार होते हैं, DL कैसे तैयार होता है, गाड़ी कैसी बेची जाती है। यहाँ पर उसने नंबर 2 का एक तरह से धंधा स्टार्ट कर दिया था। और यहीं से उसके दिमाग में आया कि साल 1964 की बात है, 64 में उससे शुरुआत की थी, तो उसने एक दो गाड़ियां चोरी की उसने अपने हिसाब से बेच दिया, क्योंकि RTO दफ्तर में इसकी बारीकियां थी, वो ये सीख चुका था सारी चीजें। अब लगातार ऐसे आगे बढ़ता रहता है, उसकी बारीकियां सीखता रहता है, सीखते सीखते गाड़ियों की चोरियां करता रहता है। हालांकि एक दो बार वो पकड़ा भी गया था, लेकिन उसकी जो चालाकी थी, उसकी जो होशियारी थी, उसे लग रहा था कि इसके सामने वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, सलाखों के पीछे निकल आता है। और ऐसे चलता रहा, और यहीं से जहाँ से उसने सीखा कि फर्जी कागजात कैसे तैयार किए जाते हैं, साल 1968 में उसने फर्जी कागज तैयार करने के बाद भारतीय रेल के माध्यम से पत्र भेजा स्टेशन के नाम, और वहाँ भेजने के नाम उसने भेजा कि एक नए स्टेशन मास्टर की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। अब स्टेशन मास्टर के नाम की नियुक्ति हो जाती है, और वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके अंडर में रेल में आ रही हैं, जा रही हैं, हरी झंडे भी दिखा रहे हैं, माल भी आता था, बहुत सारी चीज़ें आती थी। किसी मतलब साल 1968 से लेकर साल 1974 तक वो नौकरी ऐसे करता चला जाता है। अब उन्हें लगने लगा कि धनी राम मित्तल को ही यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, और अब कुछ काम और करना चाहिए।
इसके बाद वो सीधा राजस्थान की तरफ चले जाते हैं। राजस्थान में जाने के बाद 3 साल तक वहाँ पर वकालत करते हैं, और वकालत करने के बाद यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकलने के बाद हेड राइटिंग का कोर्स करने के लिए कलकत्ता जाते हैं और वहाँ की पढ़ाई करते हैं। वकालत की हेड राइटिंग का कोर्स किया, इसके बाद ग्राफोलॉजी का कोर्स किया। ग्राफोलॉजी दरअसल एक ऐसी भाषा होती है जिनको ऑफिसर्स लोग ही यूज़ करते हैं, जिसमें चाहे CBI हो, पुलिस हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसियां होती हैं, सरकारी दफ्तरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे भाषा जो लिखी हुई है उसको पहचानना। अब इन्होंने 3 कोर्स करते हैं, वकालत का कोर्स, हैंड राइटिंग का कोर्स करते हैं और ग्राफोलॉजी का भी कोर्स करते हैं। अब चोर तो ये पहले से थे ही, ARTO दफ्तर में बैठकर फर्जी कागजात कैसे तैयार किए जाते हैं, इस तरह से इनका जब इनका ज्ञान था वो बढ़ता चला जाता है। चोरी करते थे, अब वाहनों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती थी बात, क्योंकि 64 से स्टार्ट होती है, 70 का दशक था वो, और 80 का दशक आता है, उसके बाद फिर कंप्यूटर वगैरह होती भी नहीं थी उस ज़माने में, बहुत सारी जानकारी रजिस्टरों में ही नोट की जाती थी, इसलिए पत्र ही लेकर खुद आदमी जाया करता था कि ये लीजिए पत्र, मुझे सरकार ने भेजा है, और ऐसे ही वो लगातार नौकरी करता चला जाता है। पटियाला हाई कोर्ट में भी उसने सरकारी नौकरी की थी और किसी को पता ही नहीं चला कि कानो कान, और वो नौकरी करता रहा और जज की जो बारीकियां होती हैं वो सब सीखता रहा। ऐसे ही जब लगातार चोरी होती चली जाती है पटियाला कोर्ट में, और एक दिन उसे मौका मिलता है जिसने उसने अखबारों में पढ़ा कि हरियाणा के जो एडिशनल जज हैं, जो सिविल जज हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो अखबारों में लगा था और अखबारों में छपता रहा। तो उसने फर्जी कागज तैयार किए और वहाँ पर अदालत में भेजे। जब वहाँ पर उस जज को मिलते हैं तो जज अपनी छुट्टी पर घर चला जाता है, उनकी जगह वो बैठकर लगातार केस वेस सुनवाई करते रहते हैं, और इस काम की कानो कान किसी को खबर नहीं लगी। लेकिन हालांकि बाद में वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, और गिरफ्तार हुए तो इस बात की पूरे हिंदुस्तान में चर्चा रही थी। आगे चलने के बाद उन्होंने लगातार चोरियों पे चोरी करते हैं, और जब ये वकालत का कोर्स कर लेते हैं तो खुद वकील बन जाते हैं, और वकील बनने के बाद फिर केस लड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। लगातार केस लड़ रहे थे, उसकी जानकारियां जुटा रहे थे, और ऐसे करते करते इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 1,000 वाहनों की चोरियां की, और इन पर लगभग जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो 127 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए होते हैं। तो एक ऐसा एक चोर रहा है जिसने दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में लगातार चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन साल 2016 में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से वाहन चोरी हो जाते हैं, और वाहन जब चोरी होते हैं तो उनकी तलाश पुलिस कर ही रही थी। अब फिर CCTV कैमरे के माध्यम से देखा गया कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी वाहन चोरी कर रहा है, जिसकी उम्र लगभग 77 साल के आसपास होती है, 78 साल के आसपास होते हैं। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति वाहन चोरी करते हुए जो CCTV कैमरे में कैद होता है, उसके बारे में पता किया तो पता चलता है कि ये तो धनी राम है, वही धनी राम जिसने 1964 से लेकर और अब तक आतंक मचाया हुआ था। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उसको फिर भी ज़्यादा दिन रोक नहीं पाती, क्योंकि उम्र उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जब इसका फोटोग्राफ अखबारों में छपता है तो कितने ही लोग अब जो निकटतम चौकी थे, थाने थे, वहाँ पर पहुँचते हैं, जाकर बोलते हैं कि इस बुजुर्ग व्यक्ति तो हमें देखा है। दरअसल वो बुजुर्ग व्यक्ति जब चोरी करता था, कोई व्यक्ति अचानक से वहाँ पर पहुँच जाए गाड़ी के पास, अपनी गाड़ी के पास, तो बोलते थे कि बाबा ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलता था कि भैया मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे जानकारी तो है नहीं, मैंने मास्टर के यानी कि वो चाबी आपके गाड़ी में गलती से लगा दी, यदि पकड़ा गया और चाबी लग गई तो मास्टर की उसके पास होती थी, उसे लगाया और निकल गया। दोस्तों ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।